नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं देश और विदेश की मुख्य खबरों के साथ। संसद के मॉनसून सत्र के बीच दोनों सदनों में मणिपुर हिंसा मामले पर हंगामा मचा है। सरकार और विपक्ष के इस गतिरोध को खत्म करने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्षी नेताओं से मुलाकात की है। उधर राज्यसभा के सभापति सदन के कामकाज को लेकर सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। दोस्त से मिलने गई अंजू ने पाकिस्तान से वीडियो जारी किया है। वीडियो में अंजू ने कहा है कि उसके परिवार को परेशान ना किया जाए। वो पाकिस्तान में कानूनी तरीके से आई है और 2-3 दिन में वापस भी लौट आएगी। उसके परिवार को किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जाए। अरविंद के अनुसार अंजू यहां से जयपुर जाने की बात कहकर गई थी। देश के कई राज्यों में सोमवार को भी भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग का अगले 4 दिनों का पूर्वानुमान बताता है कि गुजरात को बारिश से राहत मिल सकती है, लेकिन 12 राज्यों के लिए मॉनसून अभी मुसीबतें ही बढ़ाएगा। मौसम विभाग ने मौसम संबंधी गतिविधि को देखते हुए आज उत्तराखंड, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और तटीय कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों समेत 12 राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका जताई है। रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से जीत हासिल की। पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला गया टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ। वहीं डोमिनिका टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने एक पारी और 141 रनों से धमाकेदार जीत दर्ज की थी। भारत ने लगातार 5वीं बार वेस्टइंडीज को उसके घर में टेस्ट सीरीज में मात दिया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इस सप्ताह अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करने की योजना बना रहे हैं। 2 सरकारी सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। कैबिनेट फेरबदल में संभवतः उन मंत्रियों को हटाया जा सकता है जो अगले चुनाव में फिर से लड़ने की योजना नहीं बना रहे हैं। मेघालय के शहर तुरा को मेघालय की शीतकालीन राजधानी घोषित करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोग सोमवार शाम को उग्र हो गए। इसके बाद अनियंत्रित प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने मुख्यमंत्री के कार्यालय पर पथराव किया। इस दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय में मौजूद थे। प्रदर्शनकारियों के पथराव के दौरान करीब 5 सुरक्षाकर्मियों को चोट आई है। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल लागी है। इसका दावा जापान की ओर से किया गया है। जापान के पीएम कार्यालय ने ट्वीट किया, उत्तर कोरिया ने एक संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया है। इसके अलावा रॉयट्स की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया की योनहा समाचार एजेंसी ने मंगलवार को अपनी सेना के हवाले से खबर दी है कि उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट के पास समुद्र में एक बैलिस्टिक मिसाइल लागी। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे करने के वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए सर्वे पर रोक लगा दी। कोर्ट ने इस दौरान मस्जिद पक्ष को हाई कोर्ट में जाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया कमेटी की याचिका पर यह आदेश दिया, लेकिन इससे पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक टीम करीब 4 घंटे तक मस्जिद का सर्वे कर चुकी थी। तो फिलहाल सुबह की मुख्य खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।